नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट का दावा, भारत में कम हुई धार्मिक सहिष्णुता। बीते साल धार्मिक असहिष्णुता में आया उछाल, कहा सरकार धार्मिक भावनाएं भड़काने वालों पर लगाए लगाम। पाकिस्तान को अमेरिका से बड़ा झटका, अमेरिकी सांसदों के विरोध के बाद अब F-16 लड़ाकू विमानों के लिए अमेरिकी मदद पर लगी रोक, पाकिस्तान को चुकानी होगी डील की पूरी कीमत। तुर्की की संसद में सांसदों ने खोया आपा, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुई हाथापाई, सभापति को स्थगित करनी पड़ी कार्यवाही। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने दी सफाई, कहा भारत चीन से नहीं बल्कि अयोग्य अमेरिकी नेताओं से हूं नाराज। ट्रंप ने भारत चीन जैसे देशों पर अमेरिका से नौकरियां छीनने का लगाया था आरोप। यजीदी युवा का दावा, भारतीय मूल का आतंकी सिद्धार्थ है IS का सीनियर कमांडर, यजीदी महिलाएं सेक्स स्लेव के तौर पर सिद्धार्थ के कब्जे में। देश के लिए शहीद विदेशियों के परिवारों को नागरिकता देगा ईरान, पाक और अफगानिस्तान के परिवारों को मिल सकेगी ईरानी नागरिकता, ईरान की संसद में पारित हुआ कानून। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें, देखते रहिए जीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।